दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा में, जहां पर हम अंग्रेजी सीखते हैं बहुत आसान तरीके से। दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र है और आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो और हमने अपलोड किया था, जिसमें प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद इसको देखेंगे तो एक क्रम, एक सीक्वेंस समझ में आएगा। तो आइए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों टेंस का नाम है पास्ट टेंस, हिंदी में इसको हम भूतकाल कहते हैं, और मैंने इसमें नॉन एक्शन पहले से ही लिख रखा है। दोस्तों इसका लिखने का कारण ये है कि जब भी कभी हम सेंटेंस बनाते हैं तो एक्शन और नॉन एक्शन में ही गलती कर देते हैं। यहाँ पर हम वर्ब की फॉर्म तलाशने लगते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ ये पास्ट टेंस है, ना कि पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट और ना ही परफेक्ट कंटिन्यूस। तो बच्चों इसमें हमें एक्शन नहीं लेना है, इसमें कोई वर्ब नहीं आएगी, ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्या होता है, कोई पद, कोई स्थिति, कोई अवस्था, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की स्टेट, उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन आती है। तो यहाँ पर हमारे लिए दो वर्ब दिखाई दी गई हैं, यहाँ पर वाज और वर्ब, इन दोनों में से हमको इस्तेमाल करना है। और आप देखिए कि वाज का प्रयोग हम जब करेंगे जब हमारे सामने सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो व्यक्ति इसमें सब्जेक्ट के रूप में आया है, अगर वह सिंगल है तो उसके साथ में वॉज लगेगा, और अगर वह प्लूरल है तो उसके साथ में वर्ब का प्रयोग होगा, और उसके बाद में कोई वर्ब नहीं आएगी, नाउन या एडजेक्टिव इसमें लगाई जाएगी। ये हमारे सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है जो हमें पास्ट टेंस में ध्यान रखना है। इतना सा अगर आपने समझ लिया तो ये मान लीजिए आगे हम जो सेंटेंस सीखने वाले हैं वो सब ईजी हैं। शुरू करते हैं एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस है, वह मेरा मित्र था। था मतलब पास्ट, बीता हुआ समय, वह मेरा मित्र था। तो बच्चों वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, हमने इसमें ही लिखा है। ही सिंगुलर होता है, वॉज का इस्तेमाल करना है, ही के साथ में वॉज लिखा है। वह था क्या था, अब जो बचा वो लिखना है। वह था मेरा दोस्त, तो बनेगा ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था। दोस्तों फिर से बता देता हूँ, वॉज हो या वर हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लगाए जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, पास्ट सिंपल में भी वॉज वर का प्रयोग किया जाता है। चलिए ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिया, इसके लिए अब नेगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा, बिल्कुल सिंपल, हमें नॉट लगाना है केवल। जैसे ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं था। अगर हमें कहना है कि क्या वह मेरा मित्र था, क्या वह मेरा दोस्त था, तो इस क्या के लिए हमें अलग से कोई वर्ड नहीं लगाना, इस वॉज को आगे ले आना है। सिंपल, कभी भी कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस आप बनाएं तो उसमें आने वाली हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लाना होता है और वो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाता है। तो सेंटेंस बनेगा, वॉज ही माई फ्रेंड, क्या वह मेरा दोस्त था। चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वे कल गांव में थे। वे कल गांव में थे, राइट। तो सेंटेंस बनाते हैं, वे का मतलब होता है दे, मतलब वे, प्लूरल हो गया तो वॉज नहीं वर लगाना पड़ेगा, वॉज नहीं वर, यानी दे वर, वे थे, कहाँ थे, गांव में, तो हमने लिख दिया इन द विलेज। वे गांव में थे तो सेंटेंस बनेगा, दे वर इन द विलेज, और कब थे, कल। हमेशा टाइम एंड प्लेस बाद में आता है, यस्टरडे आपको बाद में लिखना है, तो सेंटेंस बन जाएगा, दे वर इन द विलेज यस्टरडे, वे कल गांव में थे, ठीक है। अगला एग्जांपल आता है इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या करना है हमको, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो सेंटेंस बनेगा, दे वर नॉट इन द विलेज यस्टरडे। सिंपल, नॉट लगा देने से ही नेगेटिव हो गया, बस आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, तो जैसे वाज आगे आया वैसे ही वर आगे आ जाएगा, सेंटेंस बनेगा, वर दे इन द विलेज यस्टरडे,
क्या वे कल गांव में थे। एक सेंटेंस और है, हम इसको बना के देखेंगे आपके सामने, बनाने की मैं बना के दिखाता हूँ। यह आदमी अमीर था। कौन था अमीर? यह आदमी, सब्जेक्ट हो गया हमारा दिस मैन। दिस मैन मतलब यह आदमी। अब क्या था यह आदमी? था के लिए हमें लगा देना है वॉज। वॉज मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज। दिस मैन वॉज, यह आदमी था, क्या था? रिच। दिस मैन वॉज रिच, यह अमीर आदमी था, यह आदमी अमीर था। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है कि यह आदमी अमीर नहीं था, तो हमको करना क्या है? दिस मैन वॉज नॉट रिच। सिंपल है, वॉज के साथ हमको नॉट लगाना है, नेगेटिव हो जाना है, तो बनेगा दिस मैन वॉज नॉट रिच। इसी का ही इंटरोगेटिव बना के देखते हैं तो बनेगा वॉज दिस मैन रिच। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना सेंटेंस भी अधूरा होता है। दोस्तों, हमने तीन सेंटेंस के माध्यम से, तीन सेंटेंस के द्वारा हमने सेंटेंस को बनाना सीखा, जहाँ पर हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में भी जान लिया, और उसी के तरीके से हमने दो एग्जाम्पल और किए। साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि ये नॉन एक्शन सेंटेंस होता है, इसमें वर्ब नहीं आती। हमेशा याद रखना, वॉज वर्ब को देखकर आईएनजी लगाने की कोशिश मत करना। आप सेंटेंस को पहचानिए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट सिंपल है, नॉन एक्शन है। ऐसे सेंटेंस में किसी के पद, स्थिति या अवस्था के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, मुझे लगता है आपको इतने में बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, और आगे हम इसी तरीके से और भी आपको बहुत अच्छी क्लास देंगे, बहुत अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख के जाओगे, बस इन वीडियोस को क्रम से सीखते जाओ। दोस्तों, अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले पाएँ। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जिसमें हम अगला टेंस सीखेंगे। और बच्चों, मैंने आपको बताया प्रमोशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करिए अगर आपको कोई चीज़ में डाउट है तो। थैंक यू।